हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंशुल पाठक और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अब भारत में इंडिया नाम की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है। वो क्या है? तो ये इंडिया जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर के बनाई है। व्हाट इज़ इंडिया? द न्यू ग्रुप फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टीज़। क्या है इंडिया? विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया नया समूह। तो इसे जब इंडिया का डिक्लेरेशन हुआ उस समय इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको हाईलाइट किया गया। तो ये अल जजीरा की न्यूज़ है, अल जजीरा ने पब्लिश किया है, इंडियन अपोजिशन पार्टीज फॉर्म इंडिया अलायंस फॉर 2024 इलेक्शंस। तो देखिए 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं देश में और अब ऐसे बहुत सारे आपको गिमिक्स दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको पॉलिटिकल स्टैंड्स दिखेंगे। जैसे अभी मणिपुर में ही जो इंस्टेंस हुआ वो आज का नहीं है, वो 2-3 महीने पुराना है और वीडियो अब वायरल हो रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई नहीं जानता। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको अब मिलते ही रहेंगे, दिखते ही रहेंगे। तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया नाम से जो पॉलिटिकल इंस्टेंस लिया है अपोजिशन पार्टी ने, उस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के चेयरमैन हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रुप है इंडिया, जो कि एक जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम होगा इंडिया। यूपीए का नाम, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का नाम अब इन्होंने चेंज कर दिया है और अब इसका नाम रखा है इंडिया। राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो 2024 में होने वाली है, ये आइडिया ऑफ इंडिया बनाम बीजेपी होगी। दी आइडिया ऑफ इंडिया एंड दी आइडिया ऑफ बीजेपी के बीच ये लड़ाई होने जा रही है, ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का। तो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग का मोटिव रखा यूनाइटेड वी स्टैंड। अपोजिशन पार्टीज़ ने यूनाइटेड वी स्टैंड इसका मोटिव रखा। देखिए ये सेकेंड मीटिंग है, पहली मीटिंग पटना में बिहार में ऑलरेडी पिछले महीने हो चुकी है, जिसमें अगर आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो थे ये वॉकआउट कर गए थे। इस बार आप देखिए अरविंद केजरीवाल अभी इसमें बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कांग्रेस अगर दिल्ली ऑर्डिनेंस एक्ट का विरोध करेगी तभी वो इसमें शामिल होंगे। तो पिछली बार वॉकआउट कर गए क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी मान गई है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस एक्ट का विरोध वो भी करेगी। तो ये अरविंद केजरीवाल भी यहाँ बैठ गए। बीजेपी ने इन 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ का मजाक उड़ाया है, जबकि इस इंडिया का जो फुल फॉर्म रखा है ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग ओवर होने के बाद प्रेस मीट करते हुए इसका नाम सजेस्ट किया, जबकि इसमें कन्फ्यूजन ये रहा क्योंकि शरद पवार जो इस 26 पार्टीज़ में शामिल हैं उन्होंने इसका एक अलग नाम रखा था, डेवलपमेंटल की जगह उन्होंने डेमोक्रेटिक नाम रख दिया था। तो ये यूपीए नाम से अब नहीं लड़ा जाएगा इलेक्शन, अब ये इंडिया नाम से लड़ा जाएगा। शरद पवार जो कि कांग्रेस के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से हैं और अभी इनके बेटे ने ही इनको चीट करते हुए महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम की कुर्सी हत्या ली है एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में। तो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और इन्होंने ट्वीट करके हुए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इन्होंने ट्वीट कर दिया था, जिसको फिर इन्होंने सही करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के ही नाम को सजेस्ट किया और डेवलपमेंटल, डी फॉर डेवलपमेंटल नाम दिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो कन्फ्यूजन्स बहुत हैं कि ये इंडिया नाम सजेस्ट किसने किया, राहुल गांधी ने सजेस्ट किया है या फिर टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया है, कौन इसका लीडर है, कौन इसमें आगे रहेगा, ये नहीं पता कुछ भी। इसमें मेन की ऑब्जेक्टिव्स 4 हैं, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया की, लेकिन बहुत सारे नहीं, केवल 4 मेन की ऑब्जेक्टिव्स हैं। बीजेपी को हराना 2024 के इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अपहोल्ड दी सेक्युलर वैल्यूज ऑफ इंडिया, दीज आर दी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया। अब ये 26 पार्टीज क्या एक साथ रह सकती हैं?
अलग अलग लोग अलग अलग कैसे रहेंगे, आपस में खुद ही लड़ाई करते रहें। तो ये इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 11 लोग होंगे जो इन सभी 26 पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये किया है, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता के पीछे नहीं भाग रही है और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी वो फाइट नहीं कर रही। तो अगर वो नहीं कर रही तो कौन इसका चेहरा होगा, कौन इसका लीडर होगा, कौन इस इंडिया को आगे लेकर के जाएगा? क्योंकि बीजेपी में तो पता है कि मोदी जी हैं, तो ये 26 पार्टी हैं, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, बहुत सारे हैं, इंडियन मुस्लिम लीग, बहुत सारे 26 पार्टीज हैं। इसमें बीजेपी ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इसमें नॉर्थ ईस्ट की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं है, जबकि एनडीए में, बीजेपी के एनडीए में 11 नॉर्थ ईस्ट की पार्टी हैं। तो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है? इस पर इंडिया में, मतलब बीजेपी में भी उथल पुथल है, बीजेपी भी कंफर्म नहीं है कि इस बार 2024 में वो जीतेगी, और इसीलिए बीजेपी ने 26 से बड़ी पार्टी बना ली है, 38 पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप फॉर्म कर लिया है बीजेपी ने, और ये 38 पॉलिटिकल पार्टीज बहुत छोटे छोटे जगह से बहुत छोटी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जिनका नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे निषाद पार्टी है, हैम है, जनसेना पार्टी है, कुकी पीपुल्स अलायंस है, ऐसे नाम भी नहीं सुना, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, ऐसे 38 पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप बनाया है बीजेपी ने। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपने ट्वीट में इंडिया लिखा करते थे, अब इन्होंने अपने ट्वीट में भारत लिखना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे फोर फादर्स ने भारत के लिए लड़ाई की थी, ना कि इंडिया के लिए, और हमें बीजेपी जो है भारत के लिए है। तो सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि क्या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया स्कीम, क्लीन इंडिया स्कीम, जितनी भी इंडिया इंडिया करके नाम से आप चला रहे हो, वो आप भारत कर दोगे? तो ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर जो इलेक्शन हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक इंडिया में वोट कर सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल से लिया गया है? आर्टिकल 325, आर्टिकल 368, आर्टिकल 124, आर्टिकल 226। तो इस एडल्ट फ्रेंचाइज का आर्टिकल है आर्टिकल 325। आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।